हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम क्या सीखेंगे, स्टम्स फंडामेंटल्स कंपैरिजन थ्योरम। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखी थी स्टम्स सेपरेशन थ्योरम्स, आज हम स्टम्स फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम सीखेंगे, जो कि 16 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 16 मार्क्स के लिए। और आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको इस बुक के कंप्लीट नोट्स चाहिए प्लस में कंप्लीट वीडियो लेक्चर चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो आप 100 रुपीज में टेलीग्राम चैनल पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी आज का लेक्चर है स्टम फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। बाकी एमएससी का आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी अगर वीडियो लेक्चर चाहिए 100 रुपीज में प्लस में नोट्स चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि स्टम्स फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम। और बाकी के जो 4 वीडियो लेक्चर है ना, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ले लेना। अब स्टम फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम है बेटा, इसमें सबसे पहले इसका प्रूफ, कि इसका प्रूफ आएगा कैसे, तो हमें आएगा लेट फाइव एन टी इज ए रियल सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फाइव वन है वो इस इक्वेशन, जो लीनियर सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कंटिन्यू यूज हो रही है पिछले 5 लेक्चर से, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 5 1 t, इज ए रियल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशन है ऑन इंटरवल ए बी। एंड हमने दूसरा है 5 2 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, इसी का 5 2। एक बार 5 1 रियल सॉल्यूशन दिया है, एक बार हमारा 5 2 रियल सॉल्यूशन दिया है, याद रखना। 5 1 दिया है तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लिया, जब 5 2 दिया है तो इक्वेशन नंबर को 2 नाम दे लिया। अब बेटा काफी जगह मैंने बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है इस इक्वेशन को लिखने का, जो ये इक्वेशन है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप बहुत तरीकों से आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। एग्जाम में यहाँ पे ये ऐसे, ये ऊपर डैश है ना, ये 1 नहीं है, ये डैश है, डैश का मतलब डिफरेंशियल। आपके एग्जाम में इस प्रकार से आ जाए डी बाई डी एक्स, बाकी के टर्म सेम आ जाए पी टी 5 1 t, ऊपर से डैश हट जाएगा, आगे लगा दिया मैंने 5 1 t 5 1 t इज इक्वल टू 0। तो डरना नहीं है यार, आपको कहीं पर भी डरना नहीं है। इसको लिखने के और भी काफी सारे तरीके हैं, क्या है, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको कहीं पर भी नहीं डरना है। बस मेरा मोटो यही है कि आपको डरना नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि यहां हम x नहीं आएगा क्योंकि t आएगा, क्योंकि हम t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारा t की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आ जाएगा। बेटा कहीं पर भी डरना नहीं है, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको बस थ्योरम समझ में आनी चाहिए। हर बुक में अलग इसको लिख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, काफी जगह ये भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डरना नहीं है, देखो मैं तरीके बता रहा हूं लिखने का, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आपको, वाई इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिखा आ जाएगा, डरना नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे क्या है टी में ले लिया, इसने एक्स में ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, बस वेरिएबल अलग ले लिया, इसने अलग ले लिया तो हमने अलग ले लिया, हम टी से सोल्व करेंगे एक्स को सोल्व करेगा। लिखने के इस तरीके इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, बस लिखने के तरीके अलग अलग है बेटा, डरना नहीं है आपको, आराम से इस वीडियो को समझना। ठीक है, लिखने के तरीके अलग अलग है, बट डरना नहीं है एग्जाम में कि नहीं यार ये तो फंडामेंटल थ्योरम नहीं है, सर ने अलग तरीके से करा दिया और ये तो अलग ही आ गई एग्जाम में। तो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं और करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे, कहीं भी आपको डरना नहीं है। ठीक है, तो 5 1 पहली इक्वेशन का सोल्यूशन है, 5 2 हमारा रियल सोल्यूशन, सेकंड इक्वेशन सेकंड ये हमारे किस प्रकार क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने ये सेकंड ये 2 इक्वेशन लेट कर लिया। ये अभी स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूं, मैं आगे नहीं जा रहा हूं, अभी हमारा क्या है सेकंड पार्ट में, वो तो पार्ट ए था हमारा, ऑन द इंटरवल ए बी है, ये याद रखना है, ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी है, ये ए पार्ट था इसका, बी पार्ट क्या बोल रहा है इसका लेट, ये सब क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, लेट पी टी हैव कंटिन्यूस डेरिएबल, हमारा क्या है पी टी दिया हुआ कंटिन्यूस डेरिएबल है, तो सच दैट पी टी गिवन है हमारा ग्रेटर देन 0, ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, कि पीटी हमारा क्या दिया ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और हमारा लेट है 5 2 t, 5 2 t है वो हमारा बड़ा है 5 1 t से, जो हमारा ये है 5 2 t ये बड़ा है 5 1 t से, जो हमने लेट किया रियल सॉल्यूशन है ये हमारा ऐसे दिया हुआ है 5 2 t हमारा बड़ा है 5 1 t से ऑन द इंटरवल ए बी, ये हमारे सब गिवन्स है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, देन हमें क्या प्रूव करना है, देन इफ t1 and t2 आर टू सक्सेसिव, सक्सेसिव या कंजुकेटिव, कंजुकेटिव का मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मतलब क्या है लगातार, या सक्सेसिव का मतलब है लगातार, जीरोज का मतलब क्या होता है बेटा रूट,
जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो मतलब जीरो नहीं होता, रूट जीरो का मतलब है यहाँ पे यू। टी वन एंड टी टू आर द टू कंजुकेटिव रूट्स ऑफ फाइव एन टी ऑन द इंटरवल ए बी। हमारा बोल रहा है कि टी वन एंड टी टू हमारे दो लगातार रूट हैं किसी, वो तो पिछले जो स्टम सेपरेशन थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने एफ और जी लिया था, ठीक है, इसमें फाइव वन और फाइव टू ले लिया, बस इतना ही फर्क है। फाइव टू टी ऑन दी देन फाइव टू हैज ए जीरो ऑन दी सम पॉइंट ऑफ द इंटरवल टी वन एंड, ये क्या दिया हुआ है, याद देखो ये हमारा इंटरवल क्लोज इंटरवल ए भी है, हमने दो रूट माने, एक टी वन माना एक टी टू माना, ठीक है, ये होगा, ये किस पे है हमारा t इज इक्वल टू फाइव टी फाइव एन टी, क्योंकि वन पे बोला है इसने टी वन टी टू टू सक्सेसिव रूट। अब बताना है कि इन टी वन टी टू के बीच में टी वन टी टू है जे जीरो सम पॉइंट ऑफ, कि इन दोनों के बीच में फाइव टू का भी कोई रूट लाई करेगा, कंपैरिजन करके बताना है। पिछले सेपरेशन से था, सेम चीज पिछले में थी बट उसमें सेपरेशन से थी, सेपरेशन से इसमें कंपैरिजन करके बताना है हमें, तो कंपैरिजन से कैसे करते हैं वो हमें आज सीखना है, ठीक है, तो डरना नहीं है, आराम से सीखते हैं, धीरे धीरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेट, अभी हमारा क्या है, लेट सपोज इफ पॉसिबल दैट फाइव टू हैज नो जीरो, हम सब्सटेंशियल मान के चल रहे हैं कि फाइव टू की कोई जीरो नहीं है, फाइव टू यहां पे इसकी कोई जीरो नहीं है, हमें प्रूव करना है कि जीरो है, बट हम लेट कर रहे हैं, हम यहां प्रूव कर ले, ये प्रूव कर ले कि कोई जीरो नहीं है, तो अगर ये केस गलत आ गया तो हम भी सीधा लिख देंगे थ्योरम में कि भाई कुछ ना कुछ तो है, जीरो है हमारी, तो हम सब बोल रहा है कि लेट इज सपोज इफ पॉसिबल दैट फाइव टू, बेटा पढ़ना ये क्या है, फाइव टू हैज नो जीरो इन द इंटरवल टी वन एंड टी टू। टी वन एंड टी टू इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि इसके बीच में ही बताना है हमें, तो ए बी इंटरवल को हटा दो, भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ए बी इंटरवल की जगह हमने टी वन टी टू लिया ना, दो रूट, इन दोनों रूटों के बीच में फाइव टू की जीरो मिलेगी, इसलिए मैं टी वन टी टू ले रहा हूं यहां पे, इंटरवल टी वन एंड टी टू, देन विदाउट लॉस ऑफ जर्नलिटी वी कैन सपोज दैट। अभी जब इन दोनों का पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था मैंने सेपरेशन थ्योरम में भी, फाइव वन टी वन पे और फाइव वन टी टू पे भी हमारी क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि हमारे फाइव एन टी वन भी जीरो हो जाएगा और फाइव टू टी, क्योंकि हमारे दोनों कंजुकेटिव जीरो है, बट फाइव टू टी हैज नो जीरो, हम लैड करके चल रहे हैं इसकी कोई जीरो नहीं है, तो ये दोनों तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, बट फाइव टू टी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि हम नो जीरो लेके चल रहे हैं और इन दोनों की क्या है, जीरो है, तो इन दोनों को हमने जीरो के इक्वल लैड कर लिया। अब जो इक्वेशन नंबर वन थी बेटा, यहां पे चलो, इक्वेशन नंबर वन है और इक्वेशन नंबर टू है, इनको आगे लिख लिया है मैंने। अब इक्वेशन वन को मैंने फाइव टू टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन टू को फाइव वन टी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, याद रखना है बस आपको यही चीज। कंपैरिजन के लिए मैंने यहां पे क्या वन क्या टू ले लिया, उसमें हमारी एक इक्वेशन से लेकर सोल्व किया था सेपरेशन थ्योरम में, इसमें हमने क्या वन क्या टू ले लिया, फाइव वन फाइव टू ले लिया, ठीक है, और इक्वेशन वन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फाइव टू टी से, इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर दिया फाइव वन टी से, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पर लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लैड कर दिया, इक्वेशन नंबर फोर लैड कर दिया। अब थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, बड़े सिंपल स्टेप है, बड़े स्टिक स्टेप है, कुछ गलती नहीं करना। अब माइनस किया तो इसमें से फाइव टू टी, इसमें से ये इक्वेशन माइनस हो जाएगी, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। सिमिलरली इसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो इसमें से ये माइनस करके लिए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अभी यहां से देखो, इसको तो ये एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। अब इसमें से देखो फाइव वन टी फाइव टू टी, फाइव वन टी फाइव टू टी, ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या वन टी क्या टू टी अंदर बच गए, फाइव वन टी फाइव टू टू, ये मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू जीरो। बताओ अब इस टर्म को, जो ये टर्म है क्या वन क्या टू, जो हमने कॉमन लिया, इस टर्म को मैंने रिवर्स साइड और जीरो की साइड में भेज दिया, तो जीरो की साइड में भेजूंगा तो यहां किसका साइन आएगा बेटा, नेगेटिव का साइन आएगा, बट अंदर क्या था क्या वन टी क्या टू टी, तो मैंने नेगेटिव साउंड कॉमन लेके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे क्या टू टी को आगे लिख दिया, क्या वन टी को पीछे लिख दिया, बस इतना स्टेप किया है और बाकी इक्वेशन इस साइड की इक्वेशन सेम है, कोई चेंजेज नहीं किया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस साइड को जो हमारी एल एच एस साइड का है, इसको कैसे लिख सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। ये तो हो गया इस साइड का भाग खत्म, नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो गया, क्या टू को आगे इस साइड गया तो नेगेटिव हुआ, और इधर से अंदर से नेगेटिव नेगेटिव ले लिया तो पॉजिटिव हो गया, क्या टू मैंने आगे लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि जो इसकी एल एच एस साइड है, इस साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, इस कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स फाइव टू टू पी टी फाइव वन डैश टी माइनस फाइव टू टू, इस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरी साइड हमारी सेम रहेगी, और इसी को हम इस तरीके से डी बाई डी एक्स को ना लिख के इसके आगे ऊपर डैश भी लगा सकते हैं, दोनों सेम चीज है, काफी बुकों में थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ, तो डरना नहीं है। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं जो इसकी एल एच एस साइड है, ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, अभी इक्वेशन 5 लेट कर लिया मैंने, इसी इक्वेशन 5 को हमें इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट ले देना है t1 से t2। तो इंटीग्रेट कर दिया एंड लिमिट ले लिया। बेटा जब इसको इंटीग्रेट करोगे एलएचएस साइड को तो इसके ऊपर डैश है और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो इस पे इस साइड पे सिंपल लिमिट आ जाएगी t1 से t2, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा हमारा। और इस साइड हमें t1 से t2 क्या ut क्या u1t, और ये हमारा चलेगा भाई। इस साइड में हमें क्या कर देनी है, लिमिट पुट कर देनी है। पहले t2 पुट करो पूरे में, फिर t1 पुट करो। ये t2 पुट करेंगे फिर -t1 पुट कर देंगे। तो इस साइड को हमें इसको अरेंज करके लिखना है, इस साइड हमारा सेम चलता रहेगा। अभी देखो इस साइड मैंने लिमिट पूरी पुट कर दी है t1 t2, पहले t2 पुट किया फिर माइनस का साइन फिर ये t1 पुट किया, ठीक है। ये इस साइड सेम चल रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, हमें गिवन था phi1t = phi2t, हमें क्या माना, t1 पे जीरो माना था, phi1 t2 पे, क्योंकि ये दोनों कंजुगेट जीरो थी। तो इस इक्वेशन में जहां जा phi1 t1 = 0, phi2 t2 जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब कौन कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, phi1 t1 देखो कहां कहां पे, phi1 t2 एक तो यहां पे ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये टर्म में नहीं है तो ये टर्म एज इट इज मैंने देखो यहां पे लिख लिए, ये जीरो हो गई। यहां पे क्या है phi1 देखो phi1 कहां पे है, phi1 t1, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये टर्म देखो मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया है, ठीक है। बाकी की हमारी ये इस साइड की, इस साइड एज इट इज लिख दिया है, बताओ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 पुट कर दिया, ये हमें स्टार्टिंग में लेट कर लिया था, बस इसी को पुट किया हमारी ये आ गई। अब बेटा इस यहां से थोड़ा ये न्यूमेरिकल पार्ट खत्म होता है, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा हमें अच्छी तरह। तो हमने डायग्राम बनाया था, आप सभी को याद होगा, हमने ये t1 था और ये t2 था, ये किसी t1 t2 किसकी जीरो थी, phi1 t की जीरो थी, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। अब द इंटीग्रेशन ऑफ द RHS ऑफ द इक्वेशन 7, अब ये देखो भाई हमें दोनों, ये LHS साइड आ गई, ये RHS साइड आ गई। अभी देखो ये क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ द RHS साइड ऑफ द इक्वेशन इज पॉजिटिव, भाई बिल्कुल पॉजिटिव ही आएगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा, एज बिकॉज क्यों, क्यों, क्योंकि हमारा क्या u2t हमारा क्या है, क्या u1t, ये हमारा गिवन था। इसकी वजह से जो RHS साइड है, जो ये साइड है RHS साइड, ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये गिवन था हमें क्या u2t हमारा ग्रेटर देन क्या u1 है, तो इसकी वजह से ये तो पॉजिटिव आएगी। अब बेटा बात आ जाती है इस फंक्शंस के ऊपर कि इन t1 पे क्या होगा, phi1t क्या होगा और इस पे phi2t, इस पे क्या होगा। बेटा जब देखो हम phi1 पे जब जाएंगे, pt हमारा क्या है, यहां पे pt हमारा देखो, यहां पे pt क्या है, ग्रेटर देन 0, तो मैं इनिशियल बता के चल रहा हूं आपको स्टेटमेंट में, pt हमारा क्या है, पॉजिटिव है। जब फंक्शन यहां से चलेगा, देखो समझने कुछ, जब यहां से चलेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, t1 पे हमारा क्या होगा, ऊपर बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट जब हमारा डाउनवर्ड जाएगा यहां पे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये क्या है, t2 है। तो ये देखो जब फंक्शन यहां से चला phi1 से, phi1 पे तो फंक्शन क्या रहेगा बेटा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, बट phi2 पे क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा यही फंक्शन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। यहां से हमें देखो नेगेटिव पॉजिटिव, देखो मैं आगे समझाऊंगा थोड़ा, यहां चलो आप थोड़ा और समझाता हूं आपको। p1 p2 बहुत पॉजिटिव है, यह तो पता चल गया, और RHS हमें पॉजिटिव है, ये सब तो कुछ पता चल गया, बेसिक चीजें। अभी आगे देखो मैं यहां समझाता हूं, अभी phi1 t1 0 t1 पे तो बेटा हमारा पॉजिटिव आएगा, ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे हम, इज ग्रेटर देन 0 कि phi1t इज पॉजिटिव इंटरवल t1 एंड t2 कि phi1t = 0। अब phi1 t2 पे हमारा लेस देन 0 आएगा, जब ये हमारा क्या है, लेस देन 0, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, ये ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, बट ये t2 पे आ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है। t2 पे जा रहा है तो हमारा लेस देन 0 हो जाता है, कि phi1 इज पॉजिटिव इन द इंटरवल t1 एंड t2, क्योंकि यहां पे ये जा रहा है तो यहां पे ये क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है। तो देयरफॉर phi2x इज पॉजिटिव इन द इंटरवल एंड phi2x इज ग्रेटर देन 0 एट t1 = t1 एंड t2। तो LHS जो इस इक्वेशंस का है वो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है और ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव आने चाहिए या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आने चाहिए। बस आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा पढ़ के और लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, हमारा एक तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है और एक लेस देन 0 आ रहा है, दोनों केस दोनों इक्वल LHS हो रहा है, हमारे इक्वल आना चाहिए, तो ये हमारा हैंड्स पोजिशन इज रॉन्ग, तो हमारा कंट्रेडिक्शन केस आ गया।
भाई दोनों नेगेटिव आना चाहिए या दोनों पॉजिटिव आना चाहिए, दोनों हमारा एक्चुअली जो पॉजिटिव आना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव आना चाहिए, विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन दैट आर एच एस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है हमारा और दूसरी साइड आर एच एस क्या रहा है पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो दोनों रिवर्स केसेज बन रहे हैं, तो रॉन्ग हमारा पोजिशन क्या है रॉन्ग है और हमारी पोजिशन क्या कहते हैं नो जीरो, तो हम देर फोर लिख सकते हैं जी हैज जीरो इज सम पॉइंट ऑफ द इंटरवल टी वन एंड टी टू, और यही हमें क्या करना था बेटा प्रूव करना था। बेटा यहां आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है क्योंकि यहां फंक्शन जा रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है और यहां आ रहा है टी टू पे तो नेगेटिव हो रहा है यहां पे, तो आपको बस यही याद रखना है टी वन पे तो क्या हो रहा है फंक्शन फाइव टू टी वन पे, फाइव टू टी वन पे तो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है यहां पे, तो और यहां पे फंक्शन फाइव टू टी पे क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है फंक्शन, तो ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव नेगेटिव हमारा क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव साइन तो नेगेटिव करेगा बट जमा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा बेटा नेगेटिव हो जाएगा, जी हमारा क्या है पॉजिटिव है, बस आपको ये समझना था थोड़ा सा कि मैंने डायग्राम से यहाँ आपको बताया यहाँ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा बट यहाँ आएंगे तो नेगेटिव होगा, बस यही था बेटा आज का थ्योरम। अगला लेक्चर्स क्या ऊपर बात करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है हमारा एट मार्क्स का, रिकेटी इक्वेशन क्या होती है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं बट इस रिकेटी इक्वेशन के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भर भर के आ रहे हैं, तो रिकेटी इक्वेशन की जनरल फॉर्म सीखेंगे, जनरल फॉर्म क्या होती है क्योंकि ये फॉर्म है ना न्यूमेरिकल के हिसाब से लिखा है मैंने पिछले लेक्चर्स में, आपको रिकेटी इक्वेशन बता चुका हूं क्या होता है एग्जाम में आएगी तो रिकेटी इक्वेशन यही लिखना है आपको और न्यूमेरिकल आएगा तो रिकेटी इक्वेशन विद न्यूमेरिकल आएगा तो यही आपको एज इट इज लिखना है जो मैं अभी समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो रिकेटी इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल सीखना है तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और मजे रहते रहिए।